आदाब नमस्कार दोस्तों, 14 फरवरी 2019 को हमारे देश में एक बहुत ही दुखद घटना हुई। हमारी सेना पर आतंकवादी हमला हुआ जिसमें हमारे 42 जवान शहीद हुए और तब से ही पूरे देश में जवानों को श्रद्धांजलि देने का, कैंडल मार्च निकालने का, उनके फोटोज को फूलहार चढ़ाने का ये प्रोग्राम का एक सिलसिला से शुरू हो गया है। बहुत अच्छी बात है, हमारे जवानों को हमें याद करना चाहिए, उनकी कुर्बानियों को याद करना चाहिए, उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ एक भारतीय होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमारे दिल में कुछ सवाल भी हैं जो इस वीडियो के जरिए हम पूछना चाहते हैं कि हमला हुआ, जो आतंकवादियों को करना था वो किया गया, लेकिन इस हमले के पीछे हाथ किसका है? पाकिस्तान। एक हिंदुस्तानी होने के नाते हर हिंदुस्तानी की तरह मैं और हमारे सारे हिंदुस्तान यही बोलेंगे कि पाकिस्तान मुर्दाबाद था, पाकिस्तान मुर्दाबाद है और पाकिस्तान हमेशा मुर्दाबाद रहेगा। लेकिन कुछ सवाल ये उठते हैं कि इतने हाई सिक्योरिटी एरिया में, जहां पर आप एक पटाखा तक लेकर नहीं जा सकते, तो 200 किलो आरडीएक्स पाकिस्तान से हिंदुस्तानी बॉर्डर में आया कैसे? दूसरा एक सवाल है, मैं एक आम नागरिक हूं, एक मेरे जहन में जो उठा वो मैं पूछ रहा हूं, मैं इतना सिक्योरिटी का स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल यह आया कि अभी चुनावी रैलियां आएंगी, 2 महीने बाद चुनाव है, हमारे नेता बिंदास सेना के हेलीकॉप्टर्स का, सेना के जहाजों का इस्तेमाल करेंगे यहां से वहां जाने के लिए, चुनावी रैलियां करने के लिए, तो हमारी सेना के 2500 जवानों को बस से उस रास्ते से ले जाने की जरूरत क्या थी? क्या सेना को ले जाने के लिए, लाने के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो काम करती हैं, किसी नेता पर संकट आने वाला होता है, कहीं पर हमला होने वाला होता है, उन लोगों को रिपोर्ट मिल जाती है, तो सेना पर ये जो इतने बड़े आत्मघाती हमला होने वाला था, इसकी रिपोर्ट सिक्योरिटी एजेंसीज को क्यों नहीं थी? और अगर नहीं थी तो क्यों नहीं थी? और अगर उन्होंने अलर्ट किया था गृह मंत्रालय को तो इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये काफी सवाल हैं जो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार से करें, बैठी हुई अथॉरिटी से करें। बेशक हमें पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए, हमें पाकिस्तान को बर्बाद कर देना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें हमारे उन लोगों पर भी नजर रखनी चाहिए जो इस काम के लिए पाकिस्तान को मदद करते हैं। और जब तक हम उन लोगों पर अपनी लगाम नहीं कसेंगे, हमारी सेना के जवानों के शव इसी तरह हमारे देश में आते रहेंगे। एक भारतीय होने के नाते मेरे मन में कुछ सवाल थे, इस वीडियो के जरिए मैंने पूछने की चेष्टा की है। अगर आप सहमत हैं तो आगे शेयर कीजिए, आप भी पूछिए और जवाब मांगिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।